हाय फ्रेंड्स, दिस इज विशाल मलकान और आज हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड्स की। जो कल हमने बेसिक बॉलिंजर बैंड देखा था कि क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसा क्या पैरामीटर्स होता है और किस काम आता है बॉलिंजर बैंड, जो उसको वॉलिटिलिटी बैंड्स भी बोल सकते हैं। और आज उसका एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन यूज देखेंगे कि कैसे उसको बॉटम और टॉप पकड़ने में या बॉटम पिक करने में काम आ सकता है। और स्पेशली जो हमारे बेस्ट पैटर्न्स जो हम बोलते हैं टेक्निकल में, प्राइस पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, डबल टॉप और डबल बॉटम, इसको बॉलिंजर बैंड से कितना कैसे इसके अंदर बॉलिंजर बैंड कैसे यूज कर सकते हैं। तो और ये जो हम सीरीज कर रहे हैं वीडियोस का, उसको बोल रहे हैं स्टार्ट रीडिंग कॉन्सेप्ट्स। और ये स्टार्ट रीडिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि हम 7 अलग अलग एंगल से प्राइस और मार्केट को एनालिसिस करते हैं, जो प्राइस, फिर पैटर्न, फिर वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, टाइम और सेंटिमेंट। ये 7 अलग अलग तरह से अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो ये हम उसको 3-star, 5-star, 7-star ट्रेड्स कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए अगर स्टार्ट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो आप एक फ्री वेबिनार जो मैं कर रहा हूँ सैटरडे को, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं malkanstarcall.com। और ये एक वेबिनार और पहले भी हो चुका था, उसका रिकॉर्डिंग भी अभी आपको मिल जाएगा अगर आप रजिस्टर करोगे। और अगला वाला जो है वो 9 तारीख को है, वो मिस मत करना। वहां पे मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेटअप बॉलिंजर बैंड और RSI को यूज करके कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सो सुबह 11 बजे सैटरडे 9th of February। और आप अगर ट्रेडिंग स्टार ट्रेडिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन करना चाहोगे तो उसके लिए भी काफी जानकारी मिलेगी, और नहीं भी करोगे तो भी ये जो वीडियो होगा, वेबिनार होगा, उसमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपने अगर ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द बॉलिंजर बैंड, इंपॉर्टेंट सेटअप, बेसिक सेटअप। और ये सेटअप है डब्ल्यू और एम पैटर्न के बारे में। तो मैं अपना चार्ट शेयर करूंगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्प करेगा तो इसको भी आप शेयर कर सकते हैं अपने टाइमलाइन पर, ताकि और लोग भी इसे देख सके। और जनरली हम जब बॉलिंजर बैंड को देखते हैं, जो कल मैंने सिखाया था कि टॉप क्या होता है, बॉटम क्या होता है और कैसे इसको हाईलाइट कर सकते हैं, एक सेकंड, अगर आपको चार्ट दिख रहा है क्लियरली तो आप मुझे, चार्ट नहीं दिखेगा, ओके चार्ट दिखेगा अभी क्लियरली तो मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि चार्ट दिख रहा है आपको, यू कैन सी द चार्ट, यस एंड यस, हेलो एवरीवन फ्रॉम इंदौर, मुंबई, पुणे, यू कैन डू स्कैल्पिंग विद बॉलिंजर बैंड, यस, स्पिनिंग टॉप्स आर ग्रेट ग्रेट जॉब, अगर आप स्पिनिंग टॉप को देख रहे हो तो ठीक है। अभी इसको वीडियो को शेयर करें जरूर, और देखते हैं अभी बॉलिंजर बैंड में डबल टॉप डबल बॉटम कैसे काम में आ सकता है। सो पहले तो हम बेसिक अगर प्राइस पैटर्न को जाने, अगर ये जो स्टॉक है ये आज का प्राइस है, लाइव चार्ट है, तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अगर आप देखें तो ये डबल डबल बॉटम है, इसमें दोनों सेम प्राइस है और इधर यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। और इसको एकदम क्लोजली देखें तो एक RSI का भी डाइवर्जेंस है, जिसे मोमेंटम डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। नाउ मोमेंटम डाइवर्जेंस काफी लोगों को पता होता है, लेकिन हम आज बात करेंगे वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस, ना मतलब बॉलिंजर बैंड पे डाइवर्जेंस कैसे देखा जा सकता है। तो आप देखोगे जो पहला बॉटम है वो बैंड के बाहर जाके बंद आ रहा है बार बार, ये 3-4 कैंडल, और फिर मार्केट ऊपर गया सेंटर बैंड तक और फिर से वही बॉटम बना रहा है, सेम प्राइस, बट इस बार बॉटम, इस बार जो कैंडल स्टिक्स है वो बैंड के बाहर नहीं, अंदर बंद आ रही है। मतलब पहली बार जब बैंड के बाहर बंद आ रहा था तभी वॉलेटिलिटी हाई थी, और अभी जब दूसरी बार बंद आ रहा है तभी वॉलेटिलिटी कम हो गई है। मतलब दोनों प्राइस सेम है, एक बार ज्यादा वॉलेटिलिटी, एक बार कम वॉलेटिलिटी, दैट मींस वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस। और जब वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, कौन से साइड, नीचे की तरफ, तो मतलब जैसे हम मोमेंटम डाइवर्जेंस क्या होता है कि हम स्पीड में जा रहे हैं आगे कार को, और हमको अगर यू टर्न लेना है तो पहले हम स्पीड को कम करेंगे
और फिर यू टर्न मारेंगे, वैसे ही पहले वॉलिटिलिटी कम होगी और फिर यू टर्न मतलब ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और वही चीज आरएसआई में भी दिख रही है और वही चीज बॉलिंजर बैंड में भी दिख रही है। और कल हमने ये वाली बुलिश कैंडल देखी, आज एक छोटी सी कैंडल बनी है, तो इनडिसिसिव और आरएसआई भी 40 है, तो ये हमारे लिए एक वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस डबल बॉटम विद बॉलिंजर बैंड, एक आउटसाइड और एक इनसाइड, एक बाहर एक अंदर, तो ये जो डबल बॉटम है इसको परफेक्ट ट्रेड किया जा सकता है। कल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जब कैंडलस्टिक बुलिश थी, आज भी बाय कर सकते थे और कल भी अगर ऊपर जाता है तो बाय कर सकते हैं। और डब्ल्यू के पैटर्न के हिसाब से इसका टारगेट रहेगा और ये जो डब्ल्यू है उसके ऊपर उतना टारगेट जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है वही टारगेट रह सकता है। तो हम इस ट्रेड को देख भी सकते हैं अगले कुछ दिनों में कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अगर स्टॉप लॉस होता है तो ये जो लो है उसके नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, और फिर से अगर बैंक के बाहर चला जाएगा तो मतलब वॉलिटिलिटी फिर से हाई होगी, तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा और डाइवर्जेंस भी फेल हो जाएगा। बट ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी है और इसको हम एक एक करके सीख रहे हैं, जैसे हमने अभी वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस सीखा, बट हम सब साथ में ऐड करके करेंगे, प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम वॉलिटिलिटी टाइम एंड सेंटिमेंट, ये सब ज्वाइन करने के बाद ट्रेड करेंगे तो हमारा ये 7-star ट्रेड बन सकता है जो कि काफी फायदेजनक हो सकता है, जिसमें स्ट्राइक रेट कैन बी एज हाई एज 80-90% ऑफ 10 ट्रेड्स। सो ये स्टार ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग, और अगर आप स्टार ट्रेडिंग की ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस malkanstarcall.com पे रजिस्टर कर सकते हैं, और उसी में पहले वाला एक वेबिनार भी लगा हुआ है और एक अगला होने वाला है 9 तारीख को, और डेफिनेटली शेयर करें ये लिंक malkanstarcall.com, काफी ईजी है याद रखने में, आप सीधा किसी को मैसेज भी कर सकते हैं। ये वेबिनार जब सैटरडे को होगा उसमें मैं एक और एक स्ट्रेटजी सिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्टार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जा सकता है। और तो ये हो गई आज, ऑलरेडी आपके लिए हमने काफी ट्रेड्स डिस्कस किए थे आज कुछ दिनों में, जैसे एग्जावेयर था, टाटा मोटर्स था, और अभी आज BEL को डिस्कस किया। तो ये जो W पैटर्न देखा हमने, तो और एक M पैटर्न भी देख लेते हैं कि बाहर और अंदर कैसे इसको कर सकते हैं। और अगर आप किसी को टैग करना चाहे ये वीडियो में तो टैग कर सकते हैं ताकि वो ये वीडियो अभी लाइव देख सके। सो लेट्स सी इसको और किस तरह से बढ़िया देख सकते हैं। W पैटर्न देखा हमने, अभी हमको M पैटर्न, पहले मैं आपको और एक स्टॉक दे देता हूं कल के लिए ताकि आप उसको ट्रैक करें, ट्रेड कर सके। और जितना ज्यादा आप इस पैटर्न को देखोगे, जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आप उसके बाद उसमें ट्रेड ले सकते हो। जैसे अभी ये स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये एक बॉलिंजर बैंड वॉक ऑफ द बैंड हो गया और ये आउटसाइड मतलब बाहर जा रहा है, फिर ऊपर जाके फिर से अंदर जा रहा है, डबल बॉटम बन रहा है और यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी है मतलब इंडिसिसिव। अभी आज इसके ऊपर हम बाय नहीं करेंगे, लेकिन कल जब इसके ऊपर कंफर्मेशन होगा तो बाय करेंगे, लेकिन ये खाली एक वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस है, हमको और भी चीज देखनी है, तो हम इसको वीकली चार्ट में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या पोजीशन है इसका। जैसे ये यहाँ पे प्राइस सपोर्ट है, ये RSI बेरिश है, तो मेरा ये 7-star वाला ट्रेड 5-star हो जाएगा क्योंकि RSI सपोर्ट नहीं कर रहा वीकली चार्ट पे। और मंथली चार्ट पे अगर इसको मैं देखूं तो उसमें भी खास कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा जो मैंने एक ट्यूजडे टेक्निकल टॉक में बात की थी वो है ट्रेंड चैनल। तो ये अभी ट्रेंड चैनल के सपोर्ट पे है, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। तो ये कल हमें देखना है कि ये ट्रेड चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमने वीकली और मंथली चार्ट में देखा तो इससे पता चलता है कि ये 7-star नहीं है, 5-star हो सकता है, 3-star हो सकता है, उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे वेबिनार में। तो ये हो गया W पैटर्न जो हमने देखा, अभी हम M पैटर्न के बारे में देखते हैं कि M पैटर्न कहाँ पे कैसे देखा जा सकता है। लेट्स से वी गो टू स्टॉक, एनी स्टॉक वी कैन चेक लाइक से टाटा स्टील, और यहाँ पे बहुत आसान है ढूंढना और आपको प्रैक्टिस लगेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। और ये W पैटर्न M पैटर्न ऐसा नहीं कि खाली डेली चार्ट पे मिलेगा, आपको वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे, सारे चार्ट पे देखने को मिलेगा। खाली उसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है या उसका एंट्री एग्जिट पोजीशन होता है वो चेंज हो जाएगा। सो मैं आपको अभी एक M पैटर्न दिखाता हूं, वो भी एक वीकली चार्ट पे,
जैसे यहां पे देखते हैं इसको, ये देखिए ये डबल टॉप दोनों सेम लेवल पे है, एक बाहर और एक अंदर, और फिर कंफर्मेशन और फिर ट्रेंड शुरू हो गया नीचे की तरफ इसमें। तो ये एक आउटसाइड इनसाइड एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं और काफी इसमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल सकता है। ऑफ कोर्स खाली इसको नहीं यूज करना है, हम अपना पूरा सेवन स्टेप एनालिसिस को लगाएंगे तभी जाके सेवन स्टार ट्रेड होगा। एक चीज याद रखो, अगर आप ट्रेडर हो तो इसमें क्वांटिटी ऑफ ट्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ ट्रेड अच्छा होना चाहिए। और क्वालिटी कैसे करोगे, क्वालिटी को, क्वालिटी अच्छा है या खराब है वो कैसे देखोगे, जब ये सेवन स्टेप एनालिसिस करते हो आप, प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम and all those things which can work now. So that is what I would like to say today. And traded Sun Pharma today with the help of Bollinger Bands. Great job. What is the time frame for scalping? I would say 1 minute and 5 minutes, but I'm not a strong believer in scalper. Yes, bank is buy now, weekly daily support at 40. Yes, you need to go into the seven step analysis, then you can have further confidence into this strategy. So I hope you learned very simple things about MW pattern, Bollinger band mein kaise dekhte. Mera aapko ek suggestion rahega ki aap isko at least 100 chart M wale aur 100 chart W wale ko dekhe, practice kare और बैक टेस्ट करें और फिर उसमें ट्रेड लोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा और फिर ही उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। इट्स लाइक और आपको मेरा बुक भी अगर पसंद है और खरीदना है तो कैश टैग्स जो बुक्स रिलीज हो चुका है उसको malkanbook.com पे खरीद सकते हो। बाकी सैटरडे वाला वेबिनार मिस मत करना, काफी उसमें सीखने को मिलेगा और कैसे आप स्टार्टअप बन सकते हो उसके बारे में बात करेंगे malkanstarcall.com में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको जरूर शेयर करें और फिर से हम करेंगे और एक लाइव वीडियो कल बॉलिंजर बैंड्स के बारे में और एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड ट्रेडिंग एंड सी यू सून।